हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज फिर आ गए हम एक नई वीडियो लेके, एक नया टूल लेके आपके लिए हाजिर है। हम राउटर मशीन लेके और आपको आज बताएंगे राउटर मशीन के बारे में। यदि आप कारपेंटर का काम करते हो, आप लकड़ी के अंदर डिजाइन बनाते हो, यदि आप गेट बना रहे हो, गेट के ऊपर आप कॉर्नर में डिजाइन दे रहे हो या बीच में डिजाइन दे रहे हो, तो आपको राउटर का उपयोग करना पड़ेगा। तो आज हम जो राउटर लेके आए हैं वो योंगचिंग कंपनी का लेके आए हैं और योंगचिंग कंपनी का बेमिसाल टॉप क्लास आइटम, ऐसा आइटम जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, वो स्प्रिंग वाला राउटर लेके आया हूँ। वो एक ऐसा राउटर लेके आया हूँ जो आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा अलग ही क्वालिटी का है, अलग ही लेवल का है ये और आपको अलग दर्शाएगा औरों से। तो चलो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको बताता हूँ पूरी डिटेल। दोस्तों, हमने इसका सामान निकाल लिया है, हमने खोला तो गलती था लेकिन फिर भी ठीक ही है, काम चल जाएगा अपना। और जो थर्माकोल है वो हमने उल्टा खोल दिया था, चलो कोई बात नहीं। तो इसके साथ में जो चीज़ आई है वो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसके साथ में ठल आती है जो कि इसके ऊपर बांधी जाती है, जिससे कि लकड़ी घूमने के लिए आसानी हो जाती है। और चाबी पाने वो इसके साथ में प्रॉपरली है ही। और राउटर मशीन मैं आपको दिखा देता हूँ एक अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आप देख लो राउटर मशीन, ये क्या है कि एक तो सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि ये योंगचिंग कंपनी की राउटर मशीन है। योंगचिंग कंपनी का मतलब है कि कम से कम आप ये मान के चलिए इसकी जो पावर है, जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम है 1800 वाट की शक्ति है। और इसकी जो पावर है वो 1800 वाट की है, मतलब फुल हैवी माल है। आपको और सस्ते राउटरों में ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी। और हैवी वाला राउटर है, आप इसका वेट भी देखोगे तो काफ़ी हैवी है। और लीड इसकी जो लगाई गई है वो 3 मीटर की लीड लगाई गई है, हैवी वाली लीड लगाई गई है, जिससे क्या है कि ये जले ना। और दोस्तों मैं आपको एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात इसकी ये है इस कंपनी की कि भी ये योंगचिंग कंपनी, एक तो जैसे कि 12 mm का राउटर है, 12 mm का ये राउटर बनाती है और इसके अंदर आप 8 mm राड डाल सकते हो। 8 mm की कॉलेट है वो इसके अंदर डलती है, जिसे 8 mm भी हो जाता है। और 12 mm ये राउटर होता है, 12 mm की बिट तो डलती है इसमें, लेकिन आजकल 12 कोई चलाता नहीं है, तो ये 8 mm की बिट इसमें उपयोग हो जाएगी, आप डाल सकते हो। साथ में कॉलेट इसकी दी गई है, आपको दिखाई देता होगा शायद, तो ये कॉलेट भी दी गई है, ये 8 mm की कॉलेट है, ये आपके काम आके आप भी डाल सकते हो। तो दोस्तों हैवी वाला राउटर है, 12 mm साइज है इसका, 1800 वाट का राउटर है। इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है आपको देखने के लिए, आपको मालूम पड़ रहा है। और ये देखिए आप कितनी आसानी से निकल जाता है। और ये कचरा वचरा नया आने के लिए ही है। और इसके ठल इसमें साथ में आई हुई है। और आप इसके अंदर ऑन ऑफ का स्विच देखोगे तो काफ़ी अच्छा वाला ऑन ऑफ का स्विच है, क्यों इसका फ़ायदा ये होता है कि अभी इसके अंदर ये स्विच है वो जल्दी ख़राब नहीं होता, और आपको वो रेड वाला बटन जो आता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो काफ़ी राउटरों के अंदर वो होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्विच है वो अच्छा है। और काफ़ी हैवी माल है, कॉस्टली है थोड़ा सा, डोंगचिंग के रेट है, डोंगचिंग के बराबर ही है, इंडिगो डोंगचिंग के बराबर। ऊपर वाली ठल है पूरी प्लेट की है इसकी, और प्लास्टिक की है तो टूट भी जाती है तो और भी लग जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और कॉलेट मैंने आपको बताई दिया, 12 mm की कॉलेट है इसकी, आप इसके अंदर कोई भी डाल के इसको चला के चला सकते हैं। और दोस्तों यदि आप जैसे कि कारपेंटर हो, और कारपेंटर के लिए सबसे बेस्ट है, यदि कारपेंटर भी होता है और एक लकड़ी में डिजाइन बनाने का काम भी जो करता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और वो भी कोई भी डिजाइन जैसे बेल कोरता है, कोई और कोरता है, तो उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती है कि इससे आप राउटर लगा के और आप इससे बेल वगैरह खोल सकते हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि इसका जो बटन जो दिया गया है ऊपर नीचे करने के लिए ठल का, तो वो स्प्रिंग वाला दिया गया है, आप देखोगे तो इसको हम दबाएंगे, अभी इसको ऊपर हमने कर दिया है, अभी हम इसको नीचे करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये ऊपर हो गया है। तो ये एक अच्छी क्वालिटी इसके अंदर दी गई है, इसको
आपको जितना भी जिस जैसे लकड़ी के हिसाब से आपको जितना भी इसके अंदर खोदना है, ये कब्जा खोदना है आपको, तो आपने बिट डालती है और उसके हिसाब से आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। इसकी स्पीड है वो कम से कम 23,000 राउंड पर मिनट का होता है, और इसके अलावा काफ़ी अच्छा है। इसका जो मॉडल है वो आपको दिखाई दे रहा है, अपने पास ये दूसरा राउटर है। आप डब्बे को गौर से देखोगे तो डब्बा इसका मॉडल जो लिखा हुआ है 3612 3612 योंगचिंग कंपनी का 1800 वाट का है, और इसकी जो लाइट की कैपेसिटी है वो आपको दिखाई दे रही है। आपको 220 वोल्ट 1800 वाट की इसकी शक्ति है, और 23,000 राउंड इसका पर मिनट है, और 12 एमएम का इसका जो डाया होता है वो 12 एमएम का है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको चला के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इसकी रफ्तार है, इतनी स्पीड है, कितनी आवाज़ ये करता है, कितनी आवाज़ नहीं करता। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों हमने इसको पूरा सेटअप कर लिया है। अभी हम इसका जैसे कि वायर भी लगा दिया है, तो हम स्विच को इसको करेंगे ऊपर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कैसे चलता है। ये स्विच रहा और इसको हम नीचे करते हैं, देखो। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने आपको चला के दिखाया, इसकी आवाज़ जो है वो इतनी प्यारी है, आपको शोर शराबे वाली आवाज़ नहीं है, हल्की जो मंदी जो आवाज़ आती है, जो चलने की जो आर्मेचर फील्ड की आवाज़ आती है, जो कार्बन लगता है आर्मेचर के और जिस प्रकार ये चलता है, तो वही आवाज़ है इसकी, बाकी एक्स्ट्रा कोई आवाज़ नहीं है। बड़ा स्मूथली चलता है, अच्छा चलता है। यदि आपको ऐसी चीज़ आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन भी लिंक दिया गया है, और बाकी मेरी और भी वीडियो काफ़ी आती रहती है, आप देखते रहा करो। यदि आप टूल में इंटरेस्ट रखते हो और तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि आप टूल के लिए ये वीडियो बनाओ, तो हम काम उसके बारे में हम सोचेंगे और आपको वीडियो बना के भेज देंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी। दोस्तों हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखना, तो जैसे कि हमारा चैनल और ग्रोथ कर जाए और आप तक हम और नई नई वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।